सुनेंगे हम लोग। हालेलुया पापा जी, शांति की एक गवाही है, बता रही है 20 साल से इनको गुप्त प्रॉब्लम था। 20 साल से क्या दिक्कत था बेटा, तुझे कुछ गुप्त प्रॉब्लम था? 20 साल से दवाई चलत रहो गोरखपुर से, कोनो बीमारी का था हनाई लगत रहो, हनाई ठीक होता नहीं, परेशान हो गर रमिया। आवे जब चर्च में आवे लगनी तो हमार बीमारी दूर हो गई। वाह, 20 साल की बीमारी, जोर से ताली बजा कर। आप खुश है? खुश है यहाँ पर आकर? एकदम खुश है। ओके, इसको कुर्सी लगा, कुर्सी लगा, कुर्सी लगा, कुर्सी तोड़, वही 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 एक कुर्सी लेके आ वाले की है। सुनो सुनो, बड़े बहुत बड़े गवाही है। इसके हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड तुम्हारे कहाँ? इधर आ। ओके ओके ओके, हस्बैंड कहाँ? दौड़ कर सुनेंगे इसकी गवाही। पति कहाँ है? दौड़ के आइए। कुर्सी कुर्सी बैठ बेटा, तू लंगड़े मत, ऐसे तेरा अधूरा जो समस्या वही खत्म हो जाएगा, बैठ जा। हाँ सुनेंगे, ये ऐसे कितने दिन पहले हम उसे मिले थे? परसों बीते के दिन, ये बीते के दिन आए अतवार के मंगलवार के दिन। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतना जल्दी कैसे हो। मंगलवार के दिन आए और ये मुझसे मिले और ये कह रहे थे कि डॉक्टर ने बोला टांग काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए बोले। क्या बीमारी क्या बताए थे? घुटना खराब कह रहे थे। घुटना खराब है। रिपोर्ट कितना कहाँ कहाँ निकलवाए? रिपोर्ट लग रहा है क्या? दिखाओ आपके सामने, देखो रियल में। अधूरा काम नहीं, पूरे काम सुनो। आज तू और जो बनाएगी तू कड़ा कर। सुनो रिपोर्ट के साथ आए, देखो कहाँ कहाँ इलाज कराए और इस सब बातें खुद बताएंगे अपने आप मुंह से। दिखाओ नहीं नहीं, अभी मैं सबका नहीं बताया क्या हो गया। गवाही गवाही सिर्फ जो लोग गवाही देना चाहते हैं, गवाही पूछ के खड़ा करना जो ठीक हो गया, बाकी लोग नहीं खड़ा होंगे। ये देखें रिपोर्ट और अब माइक पकड़ो, माइक पकड़ो। हाँ आपने कहाँ कहाँ इलाज कराए होंगे? लगभग हंसराज हॉस्पिटल में, कस्या। हंसराज हॉस्पिटल कस्या। हाँ तो डॉक्टर से क्या बोले आपको? डॉक्टर बोला था घुटना खराब है आपका इनका और ऑपरेशन करना पड़ेगा। चल नहीं पाएगी? नहीं चल पा रही थी। नहीं चल पा रही थी बोला कि चल नहीं पाएगी, ऑपरेशन बिना नहीं चलेगी, बिना ऑपरेशन कोई काम नहीं कर पाएगी। जल्दी से ऑपरेशन करा लो नहीं तो चल नहीं पा रही पाएगी। आपके पास आए दवा भी लेकर आए हैं? नहीं दवा दवा चलता था, चलता था। लेकिन सुनो मंगलवार के दिन मुझसे मिले, रोने लगे पति पत्नी मेरे पास आकर। मैंने कहा रो मत, बात बताओ क्या समस्या है। और देखो रियली में आप उसी समय में इसके घुटने पर हाथ रख के दवा किया था। आज इतना जो चढ़ जा रही थी चल नहीं पा रही थी, ये चल नहीं पा रही थी। इसके अभी भी बेल्ट लगाइए, चलने में दिक्कत हो रहा था इसका, आज खुद चटकाइए। और जब से प्रार्थना हुआ तब से क्या हुआ है? उसी दिन से उससे बात करो। कब आराम हुआ बेटा? ईश्वर जी के पास आए थे। कितने लोग खुश है? एक ही दिन आई मेरे पास समस्या लेकर। मैं कह रहा हूँ एक बार तो विश्वास करके देखो, यीशु किसी का जात धर्म नहीं बदलता। क्या मैं इसको ये ठीक होकर आई है इसका जात बदल गया क्या? किसी का नहीं, पर परमेश्वर बदलता है। यीशु के नाम जो है उसमें पावर है, इसे दवाई में भी पावर होता है कि नहीं? अब बुखार में सबसे ज्यादा दवा कौन खाते हैं? कहते हैं सर जी क्या बोलते हैं उसको? पैरासिटामोल करो से, कहते हैं कि उसको खा लो कोई बीमारी हल्का हो जाएगा। उसका नाम में पावर है कि नहीं? यीशु के नाम में पावर है। जैसे मान लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पावर है कि नहीं? नाम लेंगे काम बनेगा, बनता है कि नहीं? नाम में पावर है। अब हम का नाम लें अगर, क्या हम उनके बिरादरी हो जाएंगे? उनका हम नाम ले तो उनका हमारा जात बदल जाएगा? नहीं, किसी के नाम से नहीं, बल्कि अगर उनसे मुझे फायदा आया तो उनके नाम लेंगे।
अमें मेरे पास बोले नहीं, वैसे ही समझ लो यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, जितने उस पर विश्वास करके आए हैं वो खाली नहीं जाएंगे। एक ही बार आए हो, अगले बार बिना बुलाए दौड़ के आओगे, कहोगे मैं जाऊंगा वहां पर, इतना फायदा होने वाला है। बोला हाँ, अभी 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 क्या हो रहा है बेटा? अभी उसका नहीं, पहले अपना इलाज करो। हाँ अब ठीक बनी, हाँ अब खोल के चल और दौड़ के देख, दौड़ के देख, खोल खोल के देख, खोल के देख, अब खोल पत्ता खोल, आज सब काम करेंगे। तो चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर एक काम और करना है, हम चक्कर लगा रहे हैं, हम चक्कर लगा रहे हैं। तो यीशु जी हमारी शक्ति बा, यीशु जी हमारी शक्ति बा, यीशु जी हमारी शक्ति बा। खुश हो गए आज से आप फिर जाना और कहना देखो किधर ऑपरेशन कराऊं, टाइम तो मेरा ठीक हो गया, तेरा पैसा बचा कि नहीं, ऑपरेशन में इतना पैसा लगता कि नहीं, परमेश्वर तुझे आजाद कर दिया, जा लेकिन जा बेटी, कुछ नहीं करना, एक काम करना जिंदगी में। सुनो ध्यान से, क्या कर रहे हैं आप? ठीक हो गए हो, पता किसके कारण? आपके लिए जब मैं दुआ किया था तो पता मैंने प्रभु से माफी मांगा था, किस लिए? कि अगर आप लोगों से कोई गलती हुआ है परमेश्वर से माफ कर दे। मेरे पास मेरे अब ठीक होने का रीजन ये हुआ है कि आपके लिए मैं माफी मांगा हूँ, किस से? परमेश्वर से। बात समझ रहे? आप लोगों के लिए मैं माफी मांगा हूँ ताकि आपसे जो गलती हुआ था वो माफ हो गया, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, आज से फिर कभी कोई गलती नहीं करना, ठीक है? ना चुगलाई करना, ना किसी का बुराई करना, ना किसी को ईर्ष्या नहीं, कोई बैर नहीं, सबसे प्रेम रखना, ओके? और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते रहना, ये आप लोग का आदेश है। अगर आप ऐसा करोगे जिंदगी में कभी बीमारी नहीं छोड़ेगा। जो बच्चा को भेजे हो, क्या हुआ, क्या बता रहे थे? जोर से स्वागत करे परमेश्वर की, कितने बड़ी गवाही है। अब ये ठीक हो गई, इसका बेटा को भी बीमारी पकड़ लिया था, टीवी पकड़ लिया था कोई गर्दन का, करिए तेल यहाँ से भेज दी मैंने दिल्ली, और वहां पर भी ये तेल कमाल कर गया। बोला मैं, ये तेल नहीं कमाल किया है, विश्वास कमाल किया है। बोला मैं, आपका विश्वास ही आपको ऊंचा करेगा। बोला मैं, रिपोर्ट परमेश्वर, सारी रिपोर्ट पर तेरा कंट्रोल हो, बच्चे प्रार्थना करता हूँ, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सब काम तो सफल करेगा, आमेन। जाओ खाली रहो और आनंद मनाओ, जाओ दूसरे गवाही सुनेंगे। हाँ गवाही गवाही गवाही।